आज हम टेरिडोफाइट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी टेरिडोफाइटा के क्या क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला है आरंभिक पीढ़ी। ये इसका जो पादप है, क्योंकि टेरिडोफाइट जो होता है उसकी जो जीवन चक्र है वो दो प्रकार की पीढ़ियों से मिलकर बना होता है। एक आरंभिक पीढ़ी जो स्पोरोफाइट होती है यानी 2X, और दूसरी होती है द्वितीयक पीढ़ी जो X होती है यानी गैमेटोफाइट, या युग्मोद्भिद भी इसको हिंदी में हम कहते हैं। जो मुख्य पादप है इसका, जिसको आरंभिक पीढ़ी भी कहते हैं, वो स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट में जड़ तना पत्ती पाई जाती है। सभी अंगों में संवहन तंत्र उपस्थित होता है, लेकिन वो एंजियोस्पर्म से सरल होता है। सरल मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना कि एंजियोस्पर्म से पाया जाता है। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट पाई जाती हैं। स्पोरोफाइट के अंदर यानी बीजाणु पीढ़ी, जो इसकी आरंभिक या मुख्य पीढ़ी होती है, उसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ये विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम क्रमशः स्पोरेंजियम कहते हैं। ये स्पोरेंजियम मियोसिस के बाद बीजाणु का निर्माण करते हैं, यानी एक सेल जो होती है स्पोरेंजियम की, उसको जो स्पोर मदर सेल बना होती है, वो बीजाणु एक चार बीजाणु बनाती है आफ्टर मियोसिस डिवीजन। यानी मियोसिस यानी अर्धसूत्र विभाजन से एक स्पोर मदर सेल से चार स्पोर बनते हैं, जो चारों के चारों एक्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये जो एक्स बीजाणु होते हैं, ये अंकुरण के पश्चात गैमेटोफाइट पीढ़ी को जन्म देते हैं, यानी युग्मोद्भिद पीढ़ी को जन्म देते हैं, जिसको हम क्रमशः प्रोथैलस भी कहते हैं। प्रोथैलस ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी बीजाणु की पीढ़ी पर निर्भर नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए, इन पौधों में फर्टिलाइजेशन के जल आवश्यक बहुत ज़रूरी है। इन प्लांट्स को हम नो फ्लावर नो सीड्स, यानी इनमें फूल भी नहीं लगते और ना ही इनमें बीज बनते हैं, यानी फ्लावरलेस और सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन ऊतक पाया जाता है तो वेस्कुलर प्लांट्स तो हैं ही, लेकिन ना सीड्स बनते हैं ना फ्लावर बनते हैं, तो इनको फ्लावरलेस और सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है। जायगोट यानी लैंगिक जनन के बाद जो जायगोट या युग्मकज बनता है वो 2X होता है, यानी स्पोरोफाइट होता है, 2X होता है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, और ये मतलब अंकुरित करके एक स्पोरोफिटिक पीढ़ी को जन्म देता है। तो स्पोरोफिटिक पीढ़ी से शुरुआत होती है, उसके बाद गैमेटोफिटिक आती है, प्रोथैलस जिसे हम कहते हैं, इस पर लैंगिक स्ट्रक्चर्स लगते हैं मेल और फीमेल, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनाते हैं, और जायगोट जो है वो वापस स्पोरोफिटिक पीढ़ी को जन्म